हेलो गाइस, तो ये देख रहे हैं आप हाइड्रोपोनिक तकनीक में डच बकेट जो है इसके अंदर हमने ये सलाद वाली जो हमारी क्रॉप है पाकचोय जिसको कहते हैं उसको हमने लगाया है। तो ये डच बकेट सिस्टम है ये जो आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो है हाइड्रोपोनिक तरीका से इसमें हमने इसको लगाया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो है इसमें ड्रिपर है, तो ये जो ड्रिपर है ड्रिपर से जो है बूंद बूंद पानी पौधे की जड़ों में जो है गिरता रहता है, और ये ड्रिपर जो है इसमें इस तरह से यहाँ लगा देते हैं और पौधे के रूट जोन में जाते हैं। इसके अंदर हमने डाली है ये सिलिका बॉल। सिलिका बॉल क्या करती है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है उसको होल्ड कर लेती है, और जब पौधे में पानी की कमी होती है मिट्टी सूखती है तो ये वापस से इसमें रिलीज़ कर देता है, तो ये पौधे को क्या है सूखने नहीं देता है। तो ये देख सकते हैं इसमें कोकोपीट है अंदर बड़ा, इसमें कोकोपीट है और ये ऊपर इसमें ये डाली हुई है सिलिका बॉल। जो पानी का जो कनेक्शन है उसके लिए यहाँ पर अलग अलग से फर्टिलाइज़र टैंक और ये पानी सप्लाई के बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जब भी हमें कोई इसमें केमिकल या फिर फर्टिलाइज़र का इसके ड्रिप के साथ में देना होता है तो इस पानी के अंदर हम घोल इसमें रेडी कर लेते हैं। इसके अंदर जो है एक सक्शन मोटर लगी हुई है, वो वहाँ से पानी को इस ड्रिप की सहायता से हर एक जो बकेट है उसके अंदर जो है इसमें बूंद बूंद गिरता रहता है।